The Disaster Management Act 2005. Disaster Management Act 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2005 में ये कानून इनेक्ट किया गया था और इस कानून के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना की गई थी और उसके अलावा नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी तरह से स्टेट लेवल पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कल्पना की गई थी, ताकि जब कभी भी देश के किसी भाग में या पूरे देश में कोई डिजास्टर हो तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। इस कानून में 79 सेक्शन है और 11 टोटल चैप्टर है। इसमें जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी कल्पना सेक्शन 3 में की गई है, जो चैप्टर 2 में है, और उसके अलावा जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके बारे में कहा गया है। उसी तरह से तीसरे चैप्टर में स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात की गई है। चौथे चैप्टर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात कही गई है। उसके बाद चैप्टर 5 जो है उसमें जो मेजर बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या क्या स्टेप ले सकती है, क्या करेगी उसके हिसाब से, उसमें लोकल अथॉरिटीज के बारे में भी कहा गया है और एक नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए उसके लिए भी इसमें चैप्टर 7 में कहा गया है। एक नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो वो चैप्टर 8 में कहा गया है और जो फाइनेंस अकाउंट वगैरह होगा वो चैप्टर 9 में दिया गया। इसमें एक हम लोगों से संबंधित जो एक चैप्टर है वो है चैप्टर 10, क्योंकि आजकल कोरोना पेंडेमिक के चलते देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑपरेशन में है और उसमें ये जो चैप्टर 10 है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में बताता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो डिजास्टर के समय में अगर कोई डिजास्टर है तो उसमें किस तरह के ऑफेंस हो सकते हैं और उसमें क्या पेनल्टी है। जैसे इसमें पुनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय अथॉरिटी अपना काम कर रही है और उस काम जो जो भी अथॉरिटी के लोग जो काम कर रहे हैं उसको अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने पर उसमें पेनल्टी का प्रोविजन है और 1 साल तक की उसमें सजा हो सकती है। इसके अलावा जो अगर कोई फॉल्स क्लेम करता है, जैसे किसी को कोई अभी कोई कुछ केसेस आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के पास सब कुछ है खाने पीने के लिए और वो फोन करके कहते हैं कि हमारे पास खाने का नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, ये सब कुछ जो क्लेम जो झूठे क्लेम जो किए जाते हैं उस पर भी 2 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसके अलावा जैसे जो पैसा है उसका मिसअप्रोप्रिएशन वगैरह होता है तो उस पर भी ऑफेंस है और उसमें भी पेनल्टी है फाइन की भी और इम्प्रिजनमेंट की। और इसके बाद इसमें जो है फॉल्स वार्निंग, यानी कि आज के दिन सोशल मीडिया में बहुत से लोग झूठी खबरें या झूठे कोई जो वार्निंग देते हैं कि यहाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, अगर वो फेक है या फॉल्स वार्निंग है तो उस पर भी इम्प्रिजनमेंट का इसमें प्रोविजन है। उसके अलावा जो है सरकारी अधिकारी या सरकारी डिपार्टमेंट या कंपनियां अगर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डेंस में काम नहीं करती तो उन पर भी ऑफेंस होता है उनके अगेंस्ट भी और उनके लिए भी पेनल प्रोविजन दिए गए हैं। इसमें जो कुछ भी ऑफेंस होते हैं वो मेनली जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके कंप्लेन करने के बाद ही होते हैं। दूसरा, इस एक्ट के अकॉर्डेंस में जो भी अथॉरिटी काम करती है तो उस जो ऑर्डर होते हैं जो कुछ भी होता है, जनरली जो कोर्ट है वो बार्ड है इसमें, इसमें केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाया जा सकता है। ये थे जनरल प्रोविजन इस कानून के जो है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।